आप आई हैं हम दोनों के दरमियान, आप जैसी माँ से तो बेहतर है कि माँ हो ही ना। चलो यहाँ से। दिल ते मेरा कमला होया जाने केड़े ख्वाब सजा बैठा। क्यों आई हो यहाँ? ये रिटर्न करना चाहती थी। मैं ब्लॉक करवा चुका हूं। मिस कर रही थी तुम्हें और जानती हूं कि तुम्हारी हालत भी मेरे बगैर वैसी होगी जैसी मेरी है। मानती हूं मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और कभी भी मुझे छोड़ोगे नहीं। बस अभी दो दिन में हमारी शादी हो जाएगी। अंदर शादी टूट चुकी है। मैं खूब चल के आई हूँ तुम्हारे पास, माफी मांग रही हूँ तुमसे। वापस चली जाओ शजा, आज के बाद यहाँ पर कभी मत आना। माफी मांग रही हूँ ना, बस कर जाओ, बात खत्म करो। अब बात खत्म हो चुकी है। तुम्हें अपनी जिंदगी में तो क्या, मैं घर में भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं। राफे, तुम मुझे मेरी बहुत छोटी सी गलती की बहुत बड़ी सजा दे रहे हो। गलती एक बार होती है, बार बार जो गलती हो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। इंसान की फितरत होती है वो। मैं आपसे बात करने यहाँ नहीं आई, राफे से बात। बदतमीजी मत करना। अब मेरे डैड हॉस्पिटल में पड़े हुए, जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, और इस सब की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मुझे इल्जाम मत दो, इन सब चीजों की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। आपके वालिद बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उन्होंने आपकी तरबियत वैसे नहीं की जैसे बेटियों की जाती है। एक्सक्यूज मी, मतलब क्या है आपका कि मेरे डैड ने मेरी तबीयत ठीक से नहीं की और मैं उनकी बिगड़ी हुई औलाद हूँ? हाँ हो तुम उनकी बिगड़ी हुई औलाद। राफे, बात खत्म हो चुकी है, अब उलझने की जरूरत नहीं है। बात खत्म हुई नहीं, बात को खत्म किया गया है और आपने खत्म की है बात। आप आई हैं हम दोनों के दरमियान, आप जैसी माँ से तो बेहतर है कि माँ हो ही ना। चलो राफे। चली जाओ यहां से, वरना गार्ड को बुलवाकर धक्के देकर बाहर निकलवाऊंगा तुम्हें। ठीक नहीं कर रहे हो तुम। मुझे खुशी है कि मैं सही वक्त पर सही फैसला कर रहा हूं। तुम्हारी जैसी जिद्दी और खुदगर्ज लड़की से मैं तो क्या इस दुनिया का कोई भी इंसान शादी नहीं कर सकता। चली जाओ। खुशफहमी है तुम्हारी, दो दिन बाद बारात है मेरी, अपनी मां को लेके हाजिरी देने आ जाना। Assalamu alaikum everyone, this is Yashma Gill here. Please subscribe to the YouTube channel of Air by Digital to stay updated.